मतलब युवा साथ है। हाँ, टोटल युवा तो छोड़िए, बुढ़ा भी साथ है। चलिए, किस पार्टी के? MIM। जो दिल में मतलब राज करते हैं वही वहाँ पे रश्क करते हैं, तो वही जो है ओवैसी जो है दिल में राज करते हैं सभी युवा को भी और बूढ़े को भी। और गोरेलाल यादव को देंगे। क्यों दीजिएगा? क्योंकि वो नया है, हमारे लिए काम करेगा। के टोटल आवाम देंगे, टोटल युवा उनको ही चाहता है। एकदम टोटल पूछ लीजिए आप किसी से भी, सब उसी को वोट देंगे। जो शेर हिंदुस्तान के नाम से जनाब बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं, सबों के दिलों में बसे हुए हैं। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली हिंद। हमें चुनावी दौरे पे आज हम हैं साहिबपुर कमाल विधानसभा के अंदर। यहां पे देखना है कि इस बार यहां के विधायक कौन बनेगा। आपको बता दें कि यहां पे यहां से हमेशा RGD और JDU का विधायक बनते आ रहे हैं। इस बार MIM पार्टी से गोरेलाल यादव की एंट्री हो गई थी। यहां के जो मुसलमान हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि साहिबपुर कमाल में इस बार किसकी तरफ पल्ला भारी है। सबसे पहले आप ये बताइए कि साहिबपुर कमाल में इस बार MIM पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो किसको आप वोट दीजिएगा? बस उतना दिन से तो 15 साल से तो वही लड़ते पंद्रह साल से तो ललटेन को जिताते आए हैं, तो कुछ नहीं सफलता हुआ। इस बार MIM पार्टी को चुने हैं, देखिए इस बार उसको भी मौका मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोग उसी को वोट देंगे। क्यों, रीज़न क्या देने का? 15 साल से आपको तो बताएं, रीज़न तो पहले ही बता दिए कि 15 साल से तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। बस एक बार नॉमिनेशन में नज़र आते हैं, एक बार जीतने के बाद। आपको लगता है कि MIM पार्टी से अगर यहाँ से विधायक बनते हैं तो साहिबपुर कमाल के अंदर विकास कर पाएंगे? अब देखिए, जीतने के बाद तो सब वैसे ही होता है। अब चांस दे रहे हैं, अब उसकी मर्जी, अब वो उसको जिता रहे हैं, उसको हम सोचते हैं कि वो जीत जाए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। अच्छा, ओवैसी के जो भी लीडर होते हैं उनको हमेशा वोट कटवा कहा जाता है, ऐसा क्यों? वो इसलिए कहा जाता है इसलिए कि हम लोग मुसलमान हैं ना, इसलिए वोट कटवा कहा जाता है। यहाँ पर मुसलमान और हिंदू की बात है नहीं, यहाँ पे विकास की बात है। हम चेंज कर रहे हैं, 15 साल वो 27 साल से हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए इस बार देख रहे हैं इस बार इसको जिताने के बाद क्या होता है। मतलब युवा साथ है? हाँ, टोटल युवा तो छोड़िए, बुढ़ा भी साथ है। चलिए, और भी यहाँ से हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार साहिबपुर कमाल में विधायक कौन बनेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर आलम है। इस मरतबा जो है 4 पार्टी जो है उससे टक्कर है, और 10 तारीख को पता चलेगा किसका पल्ला भारी होता है, कौन जीतते हैं। अभी कहना संभव नहीं है कौन जीतेंगे। 10 तारीख को जब बक्सा खुलेगा तब पता चलेगा कौन जीत जाते हैं, और किनका पतंग उड़ता है, किनका लालटेन जलता है, कौन बंगला छाप लेकर के कौन तीर मारते हैं किसी को। अच्छा, हमेशा से जो मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम वोट बैंक है, वो JDU RJD कांग्रेस को देती आई है। इस बार लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटर को लुभाने में कामयाब होंगे? अभी तो कहना मुश्किल है। जब हमारे बारिश्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ़ लाएंगे साहपुर कमान के विधानसभा में, तो उम्मीद है उनकी बातों को सुन करके मुसलमान गोलबंद होकर के इनको समर्थन करें, और उम्मीद पूरे तौर पे ये क्या कहा जा सकता है कि 10 तारीख को उम्मीद है कि निश्चित पता चल जाएगा कि कौन कब पतंग उड़ेगा और कौन विधानसभा पहुँचेंगे। और ये पार्टी ऐसी है जहाँ से भी MIM पार्टी जो भी विधायक बना है, बहुत से विधायक होते हैं जीतने के बाद दोबारा नज़र नहीं आते क्षेत्र में, और MIM पार्टी जहाँ भी है वो चुनाव जब मांगने के लिए आते हैं घर घर, उसके बाद जीतने के बाद पूरे गांव को घूमते हैं और क्षेत्र में हमेशा नज़र आते हैं। इनका इतिहास है MIM पार्टी का। अब बाकी गोरेलाल यादव खड़े हुए हैं, अब जीते हैं या हारते हैं वो 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा क्या होते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे कि जो दलित हैं उनके नेता हैं, जो यादव हैं उनके नेता हैं, जो ब्राह्मण हैं उनके नेता हैं, मुसलमानों का नेता क्यों नहीं? मुसलमानों के नेता ये जो हमारे पार्टी है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, ये सब को लेके चलने वाली गंगा जमनी की तहजीब जो पार्टी होती है ये पार्टी का नाम है। ये फिरका परस्ती को पार्टी नहीं है, ये सब को लेके चलने वाली पार्टी है। ये पूरे हिंदुस्तान में जो शेर हिंदुस्तान के नाम से जनाब बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं, सबों के दिलों में बसे हुए हैं। जो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, जो भी समाज वंचित समाज के जो भी लोग हैं सबके साथ शामिल रहते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जो है काफ़ी इल्ज़ाम लगा है कि वो BJP का B टीम है, और बहुत सारे पार्टी जो है शुरू में उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा एक वक्त आ गया है कि जो दीगर पार्टी हैं वो ये चाहती है कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन करें। इल्ज़ाम आते रहेंगे, जो अच्छे रहते हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं, जो ख़राब रहते हैं उनके पास इल्ज़ाम नहीं आते हैं।
अच्छे आदमी के पास ऊपर कीचड़ लोग उछालते हैं, मगर जो ऊपर वाले जिसको रखे उसको कौन चखे। इसलिए इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात पर उम्मीद है इनके ऊपर जितना भी कीचड़ लोग उछालते हैं मगर कभी इनका सर नीचे नहीं होगा। सिर्फ इनका सर नीचा होता है अल्लाह के सामने, और हमेशा अपने कौम और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दुआएं करते रहते हैं। हिंदू हो मुस्लिम हो, पार्लियामेंट में 543 के बीच में जब ये बोलते हैं कि कौन किसके साथ जुल्म हुआ, सबकी आवाज़ बन के बनते हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमान के लिए बनते हैं, ये सबकी आवाज़ रहते हैं। ये जो भी भाई हैं दलित हो पिछड़े हैं सब के लिए आवाज़ बना करके ये बोलते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अभी तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पहली कलम से पहली कैबिनेट में 1,00,000 यहाँ के युवाओं को नौकरी देंगे। उस पर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। फिर कल बीजेपी का एक मैनिफेस्टो जारी हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि हम 19,00,000 यहाँ के जो आवाम हैं उनको रोज़गार देंगे। ये तो तेजस्वी यादव ने वादा किया है, मगर हर लोग जितने भी आते हैं सब लोग अपने अपने वादा करते हैं। अभी कहना मुश्किल है कि वादा पूरा कर पाएंगे कि नहीं। जब ये बनेंगे उसके बाद देखा जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी भी ने वादा किए पूरा नहीं किए। अच्छा इसलिए और हमारे जो पार्टी है जो इससे गठबंधन है इनका है कि बिहार के लोगों को के जनता को जो नहीं मिला है 30 साल से जो मिलना चाहिए वो उनका इंसाफ वो इंसाफ दिलाने के लिए आ रहे हैं। अच्छा आप एक चीज़ बताइए कि कल योगी आदित्यनाथ एक सभा कर रहे थे, उसमें ये कह रहे थे कि ओबैसी जो बोलता है उससे पाकिस्तान खुश होता है। ऐसा नहीं है, ये गलत इल्ज़ामात है। ओबैसी साहब जो बोलते हैं अगर पाकिस्तान के होते जी, ओबैसी साहब जो है वो पाकिस्तान को खुश करने के लिए नहीं करते हैं। अगर ऐसा होते इन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारे लोग जाएंगे मुल्क की हिफाजत के लिए। ये कभी पाकिस्तान के लिए भला के लिए नहीं बात करते हैं, ये हिंदुस्तान के लिए बोलते हैं और हमेशा हिंदुस्तान को अपना समझते हैं और समझते रहेंगे मरते दम तक। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, अपने बाल बच्चों को कुर्बान कर देंगे हिंदुस्तान के हिफाजत के लिए, हिंदुस्तान के बदनामी को बचाने के लिए। अच्छा आप एक चीज़ बताइए, असदुद्दीन ओवैसी साहब एक न्यूज़ में कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो है थक चुका है, बूढ़ा हो गया है। नीतीश कुमार जो है थका है, बूढ़ा हुआ है। अब इसकी सरकार बनेगी या क्या बनेगी, किनकी बीजेपी की सरकार बनेगी वो यह कहना अभी मुश्किल है। कोई अभी दावा नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी। जो भी फैसला होगा 10 तारीख के बाद ही कोई फैसला आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इस बार मतलब उम्मीद है, अभी किसी के ऊपर उम्मीद करना संभव नहीं है। किसी के ऊपर उम्मीद करना, कोई चैलेंज कर दे कि मैं जीत रहा हूँ, कोई चैलेंज करे, बस 10 तारीख को जब बक्सा खुलेगा ऊपर वाले जिनका किस्मत का फैसला करेंगे वो जीतेंगे। अच्छा अभी जो है एक बीजेपी के जो मंत्री हैं या कोई नेता हैं, नाम मुझे मालूम नहीं है उनका, उन्होंने कहा था कि हम NRC लागू करेंगे। जब ये चुनावी जुमला है, ये चुनावी जुमला नहीं। अगर सेंट्रल हुकूमत जो है, अगर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर ये लागू कर दें वहाँ दिल्ली के पार्लियामेंट में, तो ये पूरे हिंदुस्तान में लागू होकर रहेगा। ये कोई भी सूबा के लोग इख्तलाफ करते रहेंगे, ये काबिल कबूल नहीं होगा, उनको लागू करना पड़ेगा। हालांकि प्रधानमंत्री ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर मुसलमान को परेशानी क्यों होती है, उनको क्यों डराया जाता है? मुसलमान तो जो बुज़दिल होंगे डरेंगे, जिनको अल्लाह पे यकीन रहेगा वो नहीं डरेंगे। किसी तरह डरने का घबराने का नहीं है, जिनको डरना है सिर्फ एक अल्लाह से डरना है। अल्लाह ही सब कुछ कर सकता है, किसी की कोई ताकत नहीं कि वो किसी को कुछ कर सके। अच्छा बीजेपी लीडर के द्वारा ऐसे बहुत सारे बयान आते रहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को इन्हें पाकिस्तान भेजो, ये पाकिस्तानी है, ये सब तो जुमलाबाजी है, ये सब एक सियासी बात है कि लोगों को भड़काओ और वोट बैंक करो, ये सब फजूल बात है। मतलब ये वोट की राजनीति आप समझते हैं? हाँ, ये वोट की राजनीति है। चलिए और भी लोगों से हम जुड़ते हैं, यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। जी आप बताइए, आप बताइए, इस बार आप युवा हैं, इस बार साहेब कमाल साहब किसको वोट दीजिएगा? गोरेलाल यादव को देंगे। क्यों दीजिएगा? क्योंकि वो नया है, हमारे लिए काम करेगगा। अच्छा किस पार्टी के? MIM। अच्छा आपको लगता है कि सिर्फ आप देंगे कि यहाँ के जो आवाम है वो भी? यहाँ के टोटल आवाम देंगे, टोटल युवा उनको ही चाहता है। अच्छा
एकदम टोटल पूछ लीजिए आप किसी से भी, सब उसी को वोट देंगे। अच्छा, हाँ आप किसके भाषण से प्रभावित हैं? हम ओवैसी साहब के भाषण, वो बोलते हैं तो हिल जाता है पूरा सबको हिला के रख देते हैं। वो ओवैसी साहब का भाषण है, सब पसंद है सबको, हिंदू मुस्लिम जो दलित है गरीब हर एक को मालूम है कि वो हर एक गरीब लोग को साथ लेके चलते हैं। उधर सीमांचल में बाढ़ आया था, सबको क्या नहीं दिया, कौन जाके दिया, कौन लालू बेटा जाके दिया उधर, यहाँ दिया तो सब ओवैसी ने दिया। चलिए और भी लोगों जानने की कोशिश करेंगे, आप बताइए कि इस बार सैफुल कमाल में किसको वोट दीजिएगा? चलिए यहाँ पे नहीं बता रहे हैं हम, और भी लोगों से जुड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं शर्माते हैं बोलना नहीं चाहते। आप एक मिनट, आप सैफुल कमाल से किसको वोट दीजिएगा? हम सैफुल कमाल से ओवैसी जी को जिताना चाहते हैं और यकीनन उसी को वोट देंगे हम। क्यों, ऐसा क्यों है कि युवा ओवैसी को ज़्यादा चाहते हैं? क्योंकि वो जो है हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं, वो जो भी बोलते हैं उसको पूरा करते हैं, और उनसे जो है जो पूरा करते हैं उनसे अक्सर लोग जलते हैं, जो पूरा करने वाले होते हैं उनको लोग हटाना ही चाहते हैं, लेकिन वो आएंगे। आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब युवा को लुभाने में कामयाब हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो जो है युवा और चाहे कोई भी हो व्यक्ति हो, वो तभी खुश होता है जब काम अच्छा कोई करता है, तो जब ही चाहता होता है, वो जो कहते हैं ना जो दिल में मतलब राज करते हैं वही जुआ पे रश्क करते हैं, तो वही जो है ओवैसी जो है दिल में राज करते हैं सभी युवा को भी और बूढ़े को भी और जो भी है मतलब समाज के लोग, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो जो भी हो, वो सबके दिलों पे राज करते हैं, इसीलिए वो इंशाअल्लाह वो जीत के ही रहेंगे। और हम जो है यहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम वोट देने के लिए उन्हीं को वोट देने के लिए आएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आप हमेशा से जेडीयू आरजेडी कांग्रेस को वोट देते आए हैं, पहली बार सैफुल कमाल से एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ रही है, कामयाब हो पाएगी? पहली बार तो हम वोट कभी दिए ही नहीं, फर्स्ट बार ये मेरा वोट होगा, लेकिन देंगे ओवैसी जी को देंगे, इससे आगे हम कुछ। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ की जो आवाम है काफ़ी खुश है, जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।